हाय फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी। आज मैं डायरेक्ट की सारी जो भी है इंग्रेडिएंट्स वो बनाते बनाते आपको बताती जाऊँगी। ये मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। जैसे ही हमारा ज़ीरा क्रैक होने लगेगा, उसके बाद हम इसमें 1 बड़ी प्याज ऐड करेंगे चॉप करके। अगर आपकी प्याज छोटी है तो आपको 2 लेना है और उसे एकदम बारीक चॉप करना है। ये देखिए हमारा ज़ीरा क्रैक हो गया है। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे। ये मेरी 1 बड़ी प्याज थी तो मैंने उससे ले लिया, नहीं तो आप 2 लीजिएगा। और इससे हमें गोल्डन ब्राउन कलर करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन। जैसे ही हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए इतनी गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं टमाटो ऐड कर रही हूँ। ये 2 टमाटो है बारीक चॉप किए हुए और 1/2 कोथमीर ऐड करूँ। हाफ में अभी ऐड करूँगी, हाफ में बाद में ऐड करूँगी। आप रेसिपी देखते रहिए, आपको पता चलेगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 2 वेज मैगी क्यूब ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारा ऑयल ऊपर ना आ जाए। अगर आपको लगे यहाँ आपका मसाला जल रहा है तो 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मेरा मसाला एकदम अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें 200 ग्राम पनीर ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ और 2 चीज़ क्यूब, बेटा अमूल के चीज़ क्यूब आते हैं, हम 2 वो ऐड कर देंगे। और इसमें हमें सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है क्योंकि वेज मैगी क्यूब में काफ़ी सॉल्ट होता है और चीज़ में भी काफ़ी सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी जब तक ये सब एक जैसा ना हो जाए, भुर्जी की शक्ल में ना आ जाए। और बचा हुआ कोथमीर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जो पनीर ग्रेट नहीं हुआ है हमें उसे भी एकदम अच्छे से मैश कर लेना है। और यहाँ पे मैंने मलाई पनीर ऐड किया है, आप वो हार्ड वाला पनीर बिल्कुल मत लीजिएगा, यही मलाई पनीर से ये बहुत टेस्टी बनता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप कोई भी वेज रेस्टोरेंट में जाएंगे ये सेम टू सेम आपको ऐसा ही घर पे बना सकते हो आप, ये बहुत ही टेस्टी और घर के मसालों में ही बन जाता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला हमें लास्ट में ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए मैंने ढक्कन हटा दिया, ऑयल भी ऊपर आ गया है, ये कितना अच्छा दिख रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून के आसपास। कसूरी मेथी से एकदम रिच फ्लेवर आ जाता है भुर्जी में। यहाँ पे हमारी भुर्जी एकदम रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको सर्व करके बताती हूँ। आप इसे पाव या तो फिर ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं या तो पराठे के साथ ही, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए हमारी भुर्जी एकदम रेडी हो चुकी है। इसको ज़्यादा सुखाइए मत, इसको ऐसे ही रखिए, ये बहुत अच्छी लगती है। अब मैंने इसे 1 सर्विंग बोल में निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर 1 चीज़ क्यूब ग्रेट कर दूँगी, ये ऑप्शनल है बट ये बहुत टेस्टी लगता है, आप भी ऐसे ग्रेट कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसे ब्रेड के साथ सर्व किया है, ब्रेड को मैंने थोड़ा टोस्ट कर लिया है। हमारी पनीर भुर्जी यहाँ पर रेडी। Please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye-bye.